साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। गाजियाबाद में विजेश पाठक बोले, मरीज का अच्छे से इलाज करना, डॉक्टर ने उसे घर भेजा, कहा हल्दी घी लगाओ। बेटे बहू और पोती को खोने वाले बुजुर्ग का दर्द, बोले मैं बदकिस्मत बाप हूं। मुजफ्फरनगर में कार पर ट्रक पलटने से हुआ हादसा। बहत्तर घंटे में बुझेगी 1600 डिग्री वाली भट्टी की आग, पुलिस ढूंढेगी मैनेजर की अस्थियां, पत्नी बोली फैक्ट्री मालिक से झगड़ा हुआ। प्रधानमंत्री को जान से मारने वाली धमकी देने वाला हुआ गिरफ्तार, यूपी के बदायूं में गुजरात एटीएस का एक्शन। गाजियाबाद में कक्षा 8वीं की छात्रा से दुष्कर्म, घर पर अकेली थी लड़की, घूमने के बहाने जंगल ले गया पड़ोसी युवक। नौ दिसंबर से शुरू होगा यूपी का वैश्विक दौरा, मंत्री नंदी बोले आईजीएसएस के जरिए वैश्विक निवेश का केंद्र बनने जा रहा उत्तर प्रदेश। कानपुर जू में जुगाड़ की ट्रायल ट्रेन ने ली है जान, बस के इंजन में सीएनजी किट कर ट्रेन दौड़ा रहे थे, प्लेटफॉर्म पर बना दिए हैं पिलर। बलेरी में छात्रा का अश्लील वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया, पीड़िता ने पुलिस से लगाई है न्याय की गुहार, मुझे बदनाम किया जा रहा है। गैंगस्टर्स की गिरफ्तारी में बदायूं पिछड़ा, पुलिस ने सिर्फ 24 गैंगस्टर पकड़े, शाहजहांपुर में जोन में फिसड्डी। अमरोहा में बुलेरो की जेसीबी के मारी है टक्कर, चालक की मौत, मौके पर ही हो गई मौत, गंभीर हालत में आबकारी इंस्पेक्टर मुरादाबाद रेफर। गौतम बुद्ध नगर में 13 निरीक्षक और उप निरीक्षक के तबादले, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस कमिश्नर ने किया फेरबदल। दरवाजे पर करंट लगने से चोर की मौत, वाराणसी के एक पावर पुल में चोरी करने जा रहा था, पूरी रात दरवाजे से चिपका रहा। बागपत में घर में घुसकर मारपीट करने वाले 8 गिरफ्तार, धारदार हथियार से किया था हमला, जान से मारने की दी थी धमकी। कानपुर में लेखपाल के बच्चों की अपहरण की कोशिश, मां ने बदमाशों से भिड़कर बचाया, शोर मचाने पर भागे असलाधारी 4 लोग। अपर पुलिस अधीक्षक ने बागपत बाजार में किया पैदल गश्त, बाजार में चलाया सघन चेकिंग अभियान, असामाजिक तत्वों को दी चेतावनी। रामपुर में कलेक्ट्रेट के बाहर अनशन पर बैठा परिवार, आचार संहिता लागू होने के बावजूद पीड़ित परिवार ने बिछाई दरी। गाजियाबाद के स्लम एरिया में आग से 14 झोपड़ियां जलकर धमाके से आसमान में उठता रहा आग का गुबार, इलाके में मची अफरा तफरी। गोंडा नगर निकाय चुनाव, भाजपा किसान मोर्चा की बैठक, बुजेहना की पहली बार नगर पंचायत का मिला दर्जा। सहारनपुर में दिन निकलते ही पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, सेंट्रो कार में गाय काट कर ले जा रहे थे गौ तस्कर। आगरा में पूनम हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी, भाई से चल रहा था प्रॉपर्टी का विवाद, 20 साल से नामी शूटर के खानदान का वर्चस्व।
कुशीनगर में समाज कल्याण के स्कूल पर नहीं हुआ कल्याण, टाटा पट्टी पर बैठकर पढ़ते हैं बच्चे, पीने के पानी का नहीं इंतजाम। शामली के हर सीट पर निकाय चुनाव लड़ेगी आप, नाम घोषित होने से पहले पार्टी की जीत में लगे उम्मीदवार। किशोरी की हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी पुलिस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग से मौत की पुष्टि, दोबारा घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। केशव के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज, आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर त्रिपाठी ने वापस लिया डिप्टी सीएम के खिलाफ फर्जी डिग्री का केस। मंदिर को तोड़कर मूर्ति चोरी, भगवान सीताराम और लक्ष्मण की अष्ट धातु की मूर्ति ले गए चोर, पूछताछ में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में गद्दे की फैक्ट्री में लगी है भीषण आग, आग ने विकराल रूप धरा है, मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद। हमीरपुर में दबंगों ने गरीब के मुंह पर फेंकी खोलती चाय, चाय के पैसे मांगने पर फेंकी चाय, दुकानदार का चेहरा बुरी तरह से झुलसा। कानपुर में कपड़े की दुकान में लगी है भीषण आग, आग लगने के बाद क्षेत्रीय लोग हुए जमा, सैकड़ों लोग आग बुझाने में लगे। लखनऊ में आग का कहर लगातार जारी, अलीगंज के नवीगंज फल मंडी में एक दर्जन से ज्यादा दुकानों में लगी भीषण आग। अलीगढ़ में ऑटो चालक यूनियन के नवांगत अपर नगर आयुक्त का फूल माला पहनाकर किया गया स्वागत, ऑटो स्टैंड बनाने की मांग। अलीगढ़ में पैसे बंटवाने के लेकर शराब के नशे में आपस में भिड़े दो होमगार्ड, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। औरैया में शादी की खुशियों में मातम में बदली बहन की शादी के लिए दहेज के लिए सामान खरीदने आए भाई की हुई मौत। बुलंदशहर में सपना स्लीप फोम में अज्ञात कारणों के चलते लगी है भीषण आग, आग ने फैक्ट्री में खड़ी एक कार और अन्य कीमती सामान को किया स्वाहा। चंदौली में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, पुलिस ने दो अंतरजनपदीय शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में देर रात दो अलग अलग स्थानों पर लुटेरे व गोकशों से हुई है पुलिस की मुठभेड़, मुठभेड़ में दो तरफ से हुई कई राउंड फायरिंग। देवरिया में जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक किया है निरीक्षण, अनुपस्थित मिले हैं MOIC। गोरखपुर में सांसद कमलेश पासवान को MPMLA कोर्ट ने सुनवाई 1.5 साल की सजा, अखिलेश यादव का किया था विरोध। लखीमपुर खीरी में सहायक तकनीकी मैनेजर पर दो बाइक सवारों ने चलाई गोलियां, लखनऊ रेफर, प्रशासन पर CMO ने लखनऊ से किया है कोऑर्डिनेट। राजधानी लखनऊ के मास्टर कामल कॉलेज में हुआ है आयोजन, ताइक्वांडो चैंपियनशिप में माउंट कार्मल ने जीते गोल्ड मेडल। प्रतापगढ़ के GIC ग्राउंड में दो दिवसीय मैत्री हॉकी श्रृंखला का आयोजन, इस अवसर पर अनवर हॉकी सोसाइटी के अध्यक्ष रहे मौजूद। लखनऊ में अपार्टमेंटों में लिफ्ट में फंसने का सिलसिला बदस्तूर जारी, बीती रात अनियमितताओं की भेंट चढ़ा परिजात अपार्टमेंट का लिफ्ट। रायबरेली में थाना दिवस बना मजाक दिवस, कायम रहे जिम्मेदार, रोती रही पीड़िता महिला, वीडियो हुआ वायरल।
सीएम योगी 28 नवंबर को पहुंचेंगे आगरा, प्रबुद्ध जन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी, कई योजनाओं की देंगे सौगात। रायबरेली में पुलिस की लचरकार शैली से बेखौफ हुए बदमाश, शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला से सरेरा हुई टप्पेबाजी। अंबेडकर नगर में अज्ञात कारणों से पुरानी तहसील के परिसर में लगी आग, राजस्व विभाग के जरूरी दस्तावेज जलकर हुए खाक। रायबरेली में दबंगों ने रेलवे क्रॉसिंग पर तैनात गेटमैन को जमकर की है उसके साथ मारपीट, मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मधुबन क्रॉसिंग का है। अमेठी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की बढ़ती जा रही मुश्किलें, अनियमितताएं मिलने पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। रायबरेली में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ट्रैक्टर में लगी है आग, ट्रैक्टरों को तारों के संपर्क से अलग कर ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। अमेठी में संदिग्ध हालत में तालाब में मिली है मोटरसाइकिल, लावारिस हालत में मोटरसाइकिल को देख ग्रामीणों में दहशत का माहौल। रायबरेली में शिक्षा मित्र ने फांसी के फंदे से लटककर जीवन लीला की है समाप्त, गांव के प्राथमिक विद्यालय में तैनात था शिक्षा मित्र। बुलंदशहर में युवक की संदिग्ध मौत, पुलिस मान रही है सड़क हादसा, परिजन लगा रहे हत्या करके शव सड़क में फेंकने का आरोप। चंदौली में पुलिस ने 3 नफर वारंटियों को किया है गिरफ्तार, लंबे समय से तीनों चल रहे थे फरार। कानपुर में खुलेआम बिक रहा है गांजा, गांजा बिकने का वीडियो हो रहा है वायरल, 70 रुपए में बेच रहा है गांजा की पुड़िया। लखनऊ में आवारा कुत्तों का आतंक जारी, जानकीपुरम में गाड़ी से आने जाने वालों को दौड़ाते हैं कुत्ते, कुत्ते ने गाय को घेर रखा है, रागीरों ने बचाई है जान। कानपुर में विवादों में रहने वाले चौकी इंचार्ज आफ्ताब आलम ने महिला को दिया धक्का, महिला जमीन पर गिरी, वीडियो हुआ है वायरल। रायबरेली में जनातियों और बरातियों में जमकर हुआ है बवाल, दोनों पक्ष लोग हुए हैं घायल, 2 लोग हुए हिरासत में। अरल्डी क्षेत्रीय अध्यक्ष सहित 71 लोग बीजेपी में शामिल, यूपी में 3 सीटों के उपचुनाव से पहले सपा गठबंधन को बड़ा झटका। बाराबंकी पहुंचे कुमार विश्वास, कोई दीवाना कहता है कविता से दर्शकों को किया है मंत्रमुग्ध, पूर्व मंत्री ने किया था कवि सम्मेलन का आयोजन। सीएम योगी ने किया अयोध्या में रामलला के दर्शन, प्रबुद्ध सम्मेलन को करेंगे संबोधित, कार्यक्रम में जा रहे बीजेपी पार्षदों की पुलिस से नोकझोंक। इटावा जंक्शन पर गूंजे डिंपल भाभी जिंदाबाद के नारे, यात्रियों ने जताई आपत्ति, बोले क्या स्टेशन पर भी चुनाव प्रचार होगा। मेरठ में प्रेमी ने प्रेमिका के घर लगाई आग, पुलिस की परेदारी में हो रही है 2 बहनों की शादी, पुलिस हिरासत में प्रेमी। अमेठी डीएम राकेश कुमार मिश्र की बड़ी कार्रवाई, ग्राम प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार की असीज। बिजनौर में सड़क हादसे में युवा की मौत, गन्ना से ओवरलोड तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राले ने मारी टक्कर, मौके पर ही निकली जान। तमिल विद्वानों ने किया श्री काशीनाथ विश्वनाथ का दर्शन, संगमम में आज के
आध्यात्मिक शास्त्र पर, शिव के अध्यात्म पर मंथन। मुरादाबाद में बीजेपी नेता को मारी गई गोली, बदमाशों ने दो राउंड फायरिंग की, दूसरी गोली सीने में लगी। अंबेडकर पार्क पर चक्का जाम। आजम खां का चुनाव आयोग पर तंज, बोले रामपुर में चुनाव की क्या जरूरत, चुनाव आयोग बीजेपी कैंडिडेट्स को जिताकर घोषित कर सकता है। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, स्ट्रेचर ना मिलने पर घायल महिला को ठेले पर लेकर पहुंचे परिजन, छत पर गिर घायल हुई थी महिला। लखीमपुर डीएम ने ऑडियो जिंगल एक कैनोपी की लॉन्चिंग, ऑडियो जिंगल और कैनोपी से वोटर पंजीकरण के लिए चलेगा जागरूकता का अभियान। नकली और नशीली दवाओं की मंडी बना आगरा, देश विदेश तक फैल रहा है अवैध कारोबार, कई राज्यों की टीमें कर चुकी हैं छापेमारी। फतेहपुर में किसान को बंधक बनाकर मिल मालिक ने पीटा, राइस मिल मालिक से धान खरीद कर रुपया लेने गया था। झांसी में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, पत्नी और बच्चे शादी में गए थे, पिता खेत से लौटे तो फंदे से लटका हुआ मिला बेटे का शव। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक सड़क हादसे में भाई बहन की मौत, बड़ी बहन गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर में रेफर, स्कूटी से नोएडा जा रहे थे। झांसी में 6 दिन बाद फिर हुई दुकान में चोरी, 11 फीट ऊंची दीवार फांद कर अंदर आए, पैसों से भरा गल्ला उठा ले गए। मारपीट के आरोपी के घर दावत पर पहुंची पुलिस, एसओ और सिपाहियों ने खाया बाटी चोखा, वीडियो बनाने वाले को दौड़ाया। शाहजहांपुर में 4 थानों की पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 4 ठिकानों पर छापेमारी में 21 गिरफ्तार, 23,000 रुपए की नकदी बरामद। फिलहाल 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों, बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।